हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा करवा चौथ लुक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि क्विक, इजी और अफोर्डेबल रेंज में है। आप अगर बिगनर हैं तो इसे घर पर आराम से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेट वाइप से पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। पूरे फेस पर डॉट डॉट करते हुए मैंने इसे लगा लिया है और अब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए, मसाज करते हुए स्प्रेड करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर स्किप बिल्कुल मत करना गाइस। यहाँ पर मैंने कलर बार का प्राइमर लिया है, एक मैट प्राइमर है, बहुत ही अच्छा मैट फिनिश देता है और स्क्रीन को बहुत ही स्मूथ बना देता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट पूरे दिन फेस पर मेकअप एज इट इज़ रहे। अब मैं यहाँ पर मिस रोज़ का मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा थिक फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है। मैं इसे डॉट डॉट करते हुए पूरे फेस पर प्लेस कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन ब्रश की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं नेक और ईयर को भी साथ में कंप्लीट करूँगी। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आई बेस बनाऊंगी। मेरे पास जो भी फाउंडेशन बच गया था मैं उसी का इस्तेमाल करके आई बेस बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर मिस कल की आई शेडो पैलेट यूज़ की है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइट गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ, अपनी आई बोल पर लगा रही हूँ। आई बोल पर लगाने के बाद इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करेंगे फिंगर टिप्स की मदद से। आउटर कॉर्नर पर मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। क्रीज लाइन को भी साथ में ही ब्लेंड करते जाएंगे, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। सेम कलर मैंने यहाँ पिक किया है और अपना आई मेकअप यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर MN की काजल यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजल को वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लैश लाइन पर भी अपनी काजल को अप्लाई करूँगी। काजल को आई शेडो से, डार्क ब्राउन आई शेडो जो कि हमने आउटर कॉर्नर में लिया था, सेम शेड लेकर मैं लॉक कर रही हूँ। इससे हमारी काजल फैलेगी नहीं और अच्छे से लॉक हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर मिस कल की लाइनर यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी लाइनर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेस लाइन से टच करते हुए मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना हाथ किस तरह से रखा है और एक अच्छे से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। बस प्रैक्टिस की नीड है, आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना आईलाइनर अच्छे से लगा सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्करा यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर HR की ब्रो किट ले रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। आप चाहे तो ब्रो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अब मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें सिक्स शेड आते हैं, इसी में से मैं ये पीच वाला शेड एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। इसे हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए लगाएंगे। इसी में से मैं ये लाइट वाला शेड एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। फिर उसे फिंगर टिप्स की मदद से ब्लेंड करूँगी। ये वाला हाइलाइटर मीडियम टू फेयर स्किन पर अच्छे से जाएगा। अब मैं यहाँ पर रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो साड़ी वेयर की है उसमें थोड़ी रेड डिज़ाइन आ रही है, तो ये वाली लिपस्टिक परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स करने के लिए। इसी के बाद मैं यहाँ पर बिंदी लगाऊंगी और अपना फाइनल लुक कंप्लीट करूंगी। मैंने यहाँ पर ओपन हेयर रखे हैं, आप चाहे तो जूड़ा भी बना सकते हैं। और इस करवा चौथ आप ये सिंपल और इजी मेकअप लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।